और अब बात पश्चिम के अग्निपथ पर भगवा ब्रिगेड के महारथी की, क्योंकि जहां जयंत और अखिलेश पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज बदल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के महारथी भी पश्चिम की हवा के रुख को फिर से अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आज सीएम योगी मेरठ हापुड़ में थे, जबकि जेपी नड्डा बरेली में थे और केशव प्रसाद मौर्य आगरा से सियासी मिजाज बदल रहे। मेरठ में योगी की ललकार, पश्चिम से तय होगी सरकार। इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। भाजपा का पांडव प्लान, चार्टलैंड से खुला ऐलान। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। यूपी के अग्निपथ पर भगवा ब्रिगेड की महारथी, 136 सीटों वाले पश्चिम का रुख अपनी तरफ करने के लिए भाजपा के महारथी मैदान में है। मेरठ में सीएम योगी, शाहजहांपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुरादाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डोर टू डोर प्रचार कर माहौल बनाया। भाजपा की नजर पश्चिमी यूपी पर है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण का मतदान इसी पश्चिमी यूपी में होना है और जिसने पश्चिम जीत लिया समझो लखनऊ जीत लिया। 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिमी यूपी से जीत की पटकथा लिखी थी, लेकिन इस बार अखिलेश और जयंत की जोड़ी दीवार बन गई। अब इसी दीवार को ढहाने के लिए मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी यूपी में डेरा डाल चुके हैं। योगी एक दिन में 3 जिलों को नाप रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना न गांव के विकास के लिए है, न गरीब के कल्याण के लिए है, न बेटियों की सुरक्षा के लिए है, न नौजवानों के रोजगार के लिए है और न अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। इनकी संवेदना केवल माफिया और दंगाइयों को बचाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दूसरे महारथी सपा और रालोद के गठबंधन पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इस बार लड़ाई कांटे की है। आप याद कीजिए, 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं, इन पार्टियों की आदत थी नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। किया कहा, 195 प्रत्याशियों में 82 आपराधिक छवि के, कप्तान उपकप्तान दोनों अपराधी। जनता सब जानती है कि अपराधी कौन है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है। गौरतलब है कि भाजपा सपा के उम्मीदवारों के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे, ऐसा करके भाजपा जाटलैंड का मिजाज बदलना चाहती है, क्योंकि भाजपा को डर है कि अगर जाट और मुस्लिम एक हो गए तो पासा पलट जाएगा। यही वजह है कि अमित शाह जाट समाज को अपने पाले में लाने के लिए इतिहास की दुहाई दे चुके हैं कि हमारा अपना नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद एक दो लोग रुक गए, उन्होंने बड़े भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, तो ये हमारा नाता है। लेकिन क्या इससे जाटों का मन बदलेगा? क्योंकि पश्चिमी यूपी में कौन जीतेगा इसका फैसला जाट वोटर से ही तय होगा, क्योंकि पूरे यूपी में जाटों की आबादी भले ही 4% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट बाहुल है। यहाँ हार जीत का फैसला जाट वोटर ही करता है। 2017 में करीब 90% जाटों का वोट भाजपा को मिला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 136 सीट में से 109 पर भाजपा जीत गई। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद स्थिति बदली हुई बताई जाती है और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं को है। यही वजह है कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन क्या ये ताकत पश्चिमी यूपी की हवा अपने पक्ष में झुका पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।